आप सब ने कभी न कभी और कहीं न कहीं ये बात तो जरूर सुना होगा कि नमक का घेरा बना देने से सांप उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। कोई भी सांप हो, अगर नमक के घेरे से उसको कैद कर लिया जाए तो उसके बाहर नहीं आ पाता है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है, आज हम लोग इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कई बार कई लोगों का हमें भी कमेंट आता है कि भैया हमने अपने घर के चारों तरफ नमक से घेरा बना दिया बारिश के मौसम में, तो क्या इससे अब हम सुरक्षित हैं, हमारे घर में सांप नहीं आएगा। कई बार कुछ ऐसे लोगों का भी मैसेज आता है कि हमने कैंपेन करा, हमने कहीं कैंप लगाया और वहां पर हमने अपने कैंप के चारों तरफ नमक का घेरा बना दिया, तो जिससे कि हमारे कैंप में सांप ना आ पाए, तो क्या ये तरीका सही है, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुड्डू मोरा सरमित्र पर। और आए दिन हमें ये लोग पूछते हैं और मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि क्या भैया सच में नमक का घेरा बना देने से सांप उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। ये बात हमें भी एग्जैक्ट नहीं पता है कि क्या सच में ऐसा होता है नहीं होता है। तो रात के वक्त हम लोगों ने कुछ सांपों को रेस्क्यू किया था, जिसको रिलीज करने के लिए हम लोग जंगल में जा रहे हैं। एक्चुअली चाचा जी ने रेस्क्यू किया था, भोर के वक्त काला था, उस टाइम पे मैं सोया हुआ था, इन्होंने मुझे डिस्टर्ब किए बगैर उसको रेस्क्यू कर लिया। अभी हम लोग उसको रिलीज करने जा रहे हैं, तो चलिए सांप को रिलीज भी करेंगे, वहीं पे इस चीज का परीक्षण करेंगे कि क्या सच में ऐसा होता है नमक का घेरा बनाने से सांप उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। तो चलिए आज सांपों को जंगल में रिलीज भी किया जाएगा और इस चीज का परीक्षण भी किया जाएगा। और फिलहाल अपनी पूरी टीम के साथ हम लोग निकल चुके हैं जंगल की तरफ। जल्दी हम लोग जंगल में पहुंच जाएंगे और वहां पर सांप को हम लोग रिलीज करने के बाद उसको एक नमक के घेरे में कैद करेंगे, ये देखने के लिए क्या वो उस घेरे से बाहर जा पाता या फिर नहीं। और इस कड़ाके की ठंड में करीब एक घंटे का सफर तय करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं उस जंगल में जहां पर हम लोग सांपों को रिलीज करने वाले हैं। इस जगह पर हम लोग सभी सांपों को रिलीज कर देंगे जिसको हम लोगों ने रात भर में रेस्क्यू किया था। कल शाम से लेकर के रात भर जितने भी रेस्क्यू कॉल आए, हमने जितने भी सांपों को रेस्क्यू किया सबको यहाँ पर रिलीज करेंगे, साथ में नमक के घेरे में छोड़ करके उनका परीक्षण भी करेंगे कि क्या वो नमक के घेरे से बाहर जा पाते हैं या फिर नहीं। सबसे पहले हम लोग इस स्थान पर एक जहरीले सांप को रिलीज करेंगे, उसके बाद उसको नमक के घेरे में कैद कर देंगे, यानी कि उसके चारों तरफ हम लोग नमक का घेरा बनाएंगे सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या ये सच में उस घेरे को क्रॉस नहीं कर पाता या फिर उसको क्रॉस करके अपने अनुकूलित वातावरण में चला जाता है। हम लोग सांप को बिल्कुल भी परेशान करेंगे, ना ही सांप के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ करेंगे, और इस प्रोसेस में सांप को किसी भी तरह से कोई भी हार्म नहीं पहुंचाया गया है। ये सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए एक परीक्षण है, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके और लोग सही ढंग से खुद की और पर्यावरण की सुरक्षा कर सकें। इस वीडियो में किसी भी जीव को किसी भी तरह से कोई हार्म नहीं पहुंचाया गया है। यदि सांप इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो हम लोग खुद अपने हाथों से सांप को बाहर निकाल करके जंगल में रिलीज कर देंगे। फिलहाल आप लोग देख सकते हैं हम नमक के घेरे में सांप को कैद कर रहे हैं। और ये क्या, यहाँ पर जो सांप है वो जैसे स्टैचू सा बन गया है, इसने हमें ट्रैक कर रखा है, तो हम इससे थोड़ी दूरी पर जाएंगे, कहीं ना कहीं हमें देख करके भी डरा हुआ, जिससे कि ये हुड लेकर के बैठा है, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ी दूर जाएंगे ताकि ये यहाँ से दूर जाने का, यहाँ से भागने का प्रयास करे और हम लोग ये चीज़ देख पाए कि क्या सच में इस घेरे को क्रॉस कर पाता या फिर नहीं। तो आप लोग भी हमारे साथ ये देखिए क्या इस घेरे को क्रॉस कर पाता या फिर नहीं।
और यहाँ पर जो सांप है उसका ध्यान अभी भी सिर्फ और सिर्फ हमारी तरफ ही है, तो हम लोग इसके ध्यान को भंग करने के लिए इसको थोड़ा सा टच करेंगे, जिस प्रोसेस में इसको कोई भी चोट नहीं पहुंचेगी। और यहाँ पर सांप का ध्यान हमारी तरफ से पूरी तरह से हट चुका है और अभी फिलहाल इसका ध्यान दूसरी तरफ है, लेकिन ये क्या, ये इस लाइन को क्रॉस करके बाहर जाने की बजाय यहाँ पर रुका पड़ा है, जैसे रुक जा गया है और अभी फिलहाल ये सामने की तरफ देख रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये सांप इस लाइन को क्रॉस करके बाहर जाएगा या फिर नहीं जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक हम लोग साथ में देखते हैं क्या ये सांप इस लाइन को क्रॉस कर पाता है। थोड़ा सा वेट करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं गवाएंगे। अगर ये नहीं जाएगा बाहर तो हम लोग खुद इसको अपने हाथों से निकाल करके बाहर छोड़ेंगे, लेकिन तब तक देखते हैं क्या होता है। और यहाँ का जो नजारा है काफी अलग और अद्भुत है। ऐसा लग रहा है जैसे इस सांप को किसी ने अपने वश में कर लिया है, किसी ने इसको हिप्नोटाइज कर लिया है। ये कहीं न कहीं अपने सामने बने हुए उस नमक के घेरे को देख रहा है जिसको हमने इसके सामने ही बनाया। हमने इसके सामने जानबूझकर बनाया कि क्या ये घेरे को देख करके इसका कैसा रिएक्शन रहता है, वो भी ट्राई करने के लिए हमने नमक के घेरे को इसके सामने बनाया। और आप लोग देख सकते हैं ये क्रॉस करने के बजाय नमक के घेरे के जस्ट बगल में हुड लेकर के बैठ करके अभी तक नमक के घेरे को ही देख रहा है। इसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया, सिर्फ और सिर्फ अपने हुड को हिला रहा है थोड़ा थोड़ा, और एकदम स्टैचू जैसे ये यहाँ पर बैठा हुआ है। तो हम लोग थोड़ा वक्त का इंतजार करेंगे, देखते हैं क्या इसका रिएक्शन रहता है। अगर नहीं होगा तो हम लोग सुरक्षित ढंग से इसको इसके अनुकूलित वातावरण में जाने देंगे और इस घेरे को इसके सामने से हटा देंगे या फिर सांप को इस घेरे से बाहर कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा तो वेट हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा मोशन कर रहा है, थोड़ी थोड़ी हरकत कर रहा है। हम लोग इसके रिएक्शन का इंतजार करेंगे, इस बात के तथ्य तक पहुंचेंगे कि क्या होगा अगर हम लोग सांप के सामने एक घेरा बना देते, वो भी नमक का, या फिर सांप से बचने के लिए अपने घर या फिर कहीं जब हम लोग घूमने जाते हैं पहाड़ों वगैरह पे, वहाँ पर जब हम लोग कैंप लगाते हैं तो नमक का घेरा बनाते हैं ताकि हम लोग सेफ रहें। उसका भी परीक्षण हम लोग करने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। और आप लोग देख सकते हैं सांप जो है वो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये इस नमक के घेरे से बचने का प्रयास कर रहा है। आप लोग साफ साफ देख सकते हैं जहाँ पर नमक का घेरा है वहाँ पर ये अपने शरीर को पूरी तरह से उठा रहा है और बेंड करके, ऐसा लग रहा है जैसे कि इसको ये ऊपर से क्रॉस करना चाहता है, इसमें टच नहीं होना चाहता है। अभी इसके दिमाग में क्या चल रहा है वो हम लोग को नहीं पता। और यहाँ पर जो सांप है उसने नमक के घेरे को अपने शरीर से टच कर दिया, यानी कि ये नमक के घेरे को क्रॉस कर सकता है। आप लोग देख सकते हैं ये नमक के घेरे को क्रॉस कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे, काफ़ी धीमी स्पीड से ये नमक के घेरे को क्रॉस करते हुए फिलहाल अभी बाहर की तरफ निकल चुका है। और थोड़ा सा इसका ऐसा शरीर का रह गया, वो भी बाहर की तरफ निकल गया। जैसे ही नमक के घेरे से पूरी तरह से बाहर निकला, ये काफ़ी तेजी से अपने अनुकूलित स्थान में भाग रहा है, जंगल की तरफ भाग रहा है। कहीं ना कहीं इसको ऐसा लग रहा था कि किसी चीज़ से, किसी वस्तु से मुझे घेर दिया गया है, जिसकी वजह से ये डरा हुआ था। तो फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि नमक का घेरा जहरीले सांपों को नहीं रोक सकता, ना तो हमारे घरों में आने से और ना ही हमारे द्वारा बनाए गए किसी कैंप या फिर किसी टेंट वगैरह जिसके चारों तरफ हम लोग नमक का घेरा बनाते हैं। अब बारी है नॉन वेनमस सांपों के ऊपर ये परीक्षण करने का। अभी फिलहाल हम लोग इसी घेरे में एक नॉन वेनमस सांप यानी कि इंडियन रेड स्नेक को रिलीज करेंगे और देखते हैं क्या वो सांप इस घेरे में कुछ देर तक रुकता है या फिर तुरंत से चला जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं रेड स्नेक बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, ऐसे में ये बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता, तो हम लोग भी इसको परेशान किए बगैर छोड़ देंगे। और आपने देखा ये नमक के घेरे को क्रॉस करते हुए काफ़ी तेजी से अपने अनुकूलित वातावरण में चला गया। एक और सांप हमारे पास है जिसको हम लोगों ने रात में रेस्क्यू किया था, उसको भी हम लोग रिलीज करके चेक करेंगे। अक्सर वो सांप हमारे घरों में निकला करता है और हमारे लिए आम बात है। अभी फिलहाल हम लोग रिलीज करने वाले हैं इंडियन वुल्फ स्नेक, जिसे हम लोग शाखर भी कहते हैं, और ये हमारे घरों की दरारों में पाया जाता है और ये छिपकली खाने आया करता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंडियन वुल्फ स्नेक एकदम से रुक गया है, नमक के घेरे को देखने के बाद ये पूरी तरह से रुक गया है। शायद ये जो ट्रिक है नमक के घेरे वाली, ये इंडियन वुल्फ स्नेक पर काम करती हो। लेकिन ये क्या, ये सांप भी बाहर निकल रहा है और काफ़ी आसानी से धीरे धीरे नमक के घेरे को क्रॉस करते हुए ये भी अपने अनुकूलित वातावरण में चला गया। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि कोई भी किसी भी तरह का नमक का घेरा किसी भी सांप को हमारे या फिर किसी के घर में आने से नहीं रोक सकता। सभी चले गए, पता चलता है ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब नमक के घेरे से कुछ नहीं होता है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि नमक का घेरा बना देने से जो है कोई भी सांप या जीव जंतु नहीं आएंगे। चलिए ओके। हमारा हमेशा से ये प्रयास रहता है कि हम लोग जागरूकता के साथ साथ इन जीव जंतुओं के बारे में फैले हुए अफवाह के बारे में सही जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाएं।
तो आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी इस चैनल पर आपको सांपों के बारे में और भी खतरनाक जीवों के बारे में ढेर सारी सही और सटीक जानकारी आने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।